नमस्कार, मनीगुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। किसी भी निवेश में डर और इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये इमोशंस ही होते हैं जो कि निवेशक को मार्केट के उतार चढ़ाव में कोई ऐसा फैसला लेने पर मजबूर करते हैं जिसका बाद में उन्हें काफी ज्यादा पछतावा भी होता है, नुकसान भी होता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि इन इमोशंस को कंट्रोल में किया जा सकता है, या फिर ये कहे क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप अपने निवेश में बैलेंस या फिर संतुलन बना सकते हैं। और इसी संतुलन और इसी बैलेंस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आप निवेश को कैसे आपके रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंस बना सकते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं आज, राधिका गुप्ता, एमडी एंड सीईओ एडवाइस एएमसी। राधिका, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, आपका और जी बिजनेस का। तो राधिका से आज हम शो में क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले इसके हाइलाइट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे क्या होते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, कैसे मॉडल पर काम करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, बाजार के उतार चढ़ाव को कैसे मैनेज करता है बैलेंस एडवांटेज फंड यानी BAF, और साथ ही बैलेंस एडवांटेज फंड कैसे अलग है बैलेंस फंड से, इस पर भी आज हम करेंगे चर्चा। राधिका, जिस तरीके से हम आजकल का माहौल देख रहे हैं और जब से कोविड आया तब से तो और भी ज्यादा है, निवेशक के मन में डर काफी ज्यादा आ गया है कि आखिरकार उसके निवेश का होगा क्या। अब ये जो इमोशंस निवेश में आ जाते हैं उससे किसी के निवेश को फायदा कैसे मतलब नुकसान कैसे होता है, और उसका फायदा अगर उठाना है हमें, बैलेंस अगर रखना है किसी को निवेश में, तो क्या उसका कोई तरीका है? तो ये आपने बहुत सही बात कही। एक तो बैलेंस वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम साल 2020 की जिक्र करें, और मुझे लगता है 2020 इन इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी यूनिक ईयर, ऐसे बहुत साल आएंगे। तो जैसे आपने कहा, फियर बहुत है, अनसर्टेनिटी बहुत है, क्योंकि मार्केट कोई दिशा नहीं ले रहा। इकोनॉमी में अलग अलग तरह के किस्से आप सुन रहे हैं, न्यूज आप सुन रहे हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, लोकल फैक्टर्स हैं, कोविड का चर्चा रहा है। तो ये दौरान एक बहुत केओटिक दौर रहा है, और इस दौरान में मेरा एक ये मानना है कि प्रिडिक्ट करना कि बाजार क्या करेगा, ये किसी निवेशक के लिए या किसी फंड के लिए भी बड़ा मुश्किल है, प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या होने वाला है। और तो दो बातें हैं, एक प्रिडिक्ट आप कर नहीं सकते और बाजार वॉलेटाइल रहेगा। अब निवेशक के तौर पे आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हाँ, मेरा थोड़ा फायदा हो, जब मार्केट अच्छा करे तो मैं उसमें शामिल हो जाऊं, मैं अकेले सिर्फ FD का रिटर्न ना कमाऊं। लेकिन अगर मार्केट बहुत गिरे, जैसे कि हमने देखा मार्च में गिरा 30-40% मार्केट गिरे, तो उसमें मेरा पूरा कैपिटल ना वाइप हो। मेरे हिसाब से बहुत निवेशक ऐसा ही चाहते हैं, मैं खुद ऐसी निवेशक हूं। अब हम क्या देखते हैं अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की कोशिश में, ऐसे वॉलेटाइल दौर में जैसे कि आपने कहा, इमोशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगते हैं। और एक्चुअली ग्लोबली स्टडीज करी गई हैं जहां दिखाया गया है कि जब ये वॉलेटाइल टाइम आता है तो ये जो इमोशन है इसके चक्कर में निवेशक सबसे अपना वर्स्ट बिहेवियर बर्ताव एग्जिबिट करते हैं। वो अच्छे टाइम में जब खरीदना चाहिए एक्चुअली बेचते हैं, क्योंकि उन्हें डर का वो होता है। जब खरीदने की अपॉर्चुनिटी आती है तो इस्तेमाल नहीं करते, जो और लोग कर रहे हैं उसके पीछे भागते हैं। तो व्हाट वी से द वर्स्ट ऑफ इन्वेस्टर बिहेवियर कम्स आउट इन वॉलेटाइल टाइम्स बिकॉज ऑफ आर इमोशंस। इसको बैलेंस करने का मेरे हिसाब से एक ही तरीका है, जिस चीज को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन जो रियलिटी है उसे आप ऑटोमेट करिए। ऑटोमेट का मतलब है आप उसे किसी प्रोसेस पे छोड़ दीजिए, किसी फॉर्मूला पे छोड़ दीजिए कि मार्केट में ऊपर नीचे जाना तो जरूरी है, डेट भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए, लेकिन आप इसे किसी प्रोसेस या फंड को दे दीजिए जिससे कि आपकी डे टू डे जिंदगी चलती रहे, आप अपने डे टू डे काम पे जाइए, फैमिली को मैनेज करिए, और निवेश आपका और ये जो मार्केट के उतार चढ़ाव है वो आपके लिए एक फंड मैनेज करेगा। तो ऐसे में एक बैलेंस एडवांटेज फंड, क्योंकि इसके नाम में ही बैलेंस है, वो किसी के पोर्टफोलियो को ऐसे ही मार्केट के उतार चढ़ाव में बैलेंस किसी एक ऑटोमेटिक मॉडल पर या फिर डायनेमिकली करता कैसे है? तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या जिसे हम डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड कहते हैं, वो बेसिकली दो चीजें करता है। वो कुछ पार्ट आपके पोर्टफोलियो का इक्विटी में डालता है यानी कि शेयर बाजार में डालता है,
और बाकी पार्ट आपका पोर्टफोलियो का फिक्स्ड इनकम में डालता है। अब कितना प्रतिशत आपका पैसा इक्विटी या फिक्स्ड इनकम में डाला जाता है, ये एक मॉडल के बेसिस पे जाना जाता है। ये मॉडल शब्द को थोड़ा सा हम मैं डिमिस्टिफाई करना चाहूंगी। मॉडल का मतलब ये है कि एक फॉर्मूला होता है या एक तरीका होता है जिस बेसिस पे वो डिसाइड करता है। तो जैसे एक फंड है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, उसमें 30-80% पैसा आपका इक्विटी में जाएगा, बाकी फिक्स्ड इनकम में जाएगा। वो 30-80% मॉडल डिसाइड करेगा। मॉडल कैसे डिसाइड करेगा, ये अलग अलग बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं आपको ड्राइविंग का एग्जांपल देती हूं, जिसे हम ट्रेंड बेस्ड मॉडल कहते हैं, कि अगर बाजार अच्छा है, अच्छा कर रहा है, वॉलेटाइल नहीं है बाजार, केओटिक नहीं है, तो मैं ज्यादा पैसा इक्विटी में रखूंगा, और अगर बाजार बुरा कर रहा है तो मैं कम पैसा इक्विटी में रखूंगा। मैं कह सकती हूँ, जैसे मैं लोनावला में हूं अभी, बॉम्बे से लोनावला अगर आप ड्राइव करना चाहें और रोड अच्छी हो और वेदर साफ हो तो आप स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन अगर रोड खराब है, बारिश आ रही है, तो आप स्पीड थोड़ी धीमे कर देंगे। कुछ ऐसे मॉडल हैं जो वैल्यूएशन पैरामीटर के बेसिस पे जाते हैं, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक। तो मार्केट गिरता जाएगा तो वो ऐड करते जाएंगे, मार्केट बढ़ता जाएगा तो वो प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। तो अलग अलग किस्म के मॉडल होते हैं, लेकिन जरूरी ये जानना है कि दोनों तरह मॉडल होते हैं। एक इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान खुद इमोशनल होता है, फंड मैनेजर खुद इमोशनल होता है, जो डिसाइड करता है कि अच्छा अभी इतना इक्विटी, अभी इतना डेट, ये एक फॉर्मूला डिसाइड करता है, और इससे ये इमोशनल कंट्रोल आपके इन्वेस्टमेंट में बना रहता है। ओके, तो बेसिकली एक ऑटोमेटिक तरीका आपके जो निवेश है उसको कंट्रोल करने का, जहां पर इमोशंस का कोई रोल नहीं है, और ये जो दो मॉडल है जिसकी चर्चा राधिका ने की है, उसके बेसिस पर आपका जो ये निवेश है वो मैनेज, या फिर बेटर वर्ड कहेंगे बैलेंस हो सकता है। कई ऐसे निवेशक है राधिका, जो कि अपना जो निवेश है, अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करते हैं, वो चाहते हैं कि सारे डिसीजंस वो लें, और यही रीजन रहा है कि काफी ज्यादा आनंद फानन में बदलाव भी करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ऐसे निवेशकों के लिए आप क्या कहेंगे, बैलेंस एडवांटेज फंड क्या एक सही तरीका है निवेश को बैलेंस करने का, जिनका अपने हाथ में हमेशा कंट्रोल रहता है कि उन्हें ही हर कोई डिसीजन लेना है? देखिए, ये तो फैसला इंडिविजुअल के हाथ में है कि उसे सारे डिसीजन निवेश के खुद लेने हैं या किसी फंड पे छोड़ने हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी, और मैं खुद ये भी कहना चाहूंगी कि मैं अपना 70% पैसा, हालांकि मैं कैपिटल मार्केट्स में काम करती हूँ, एसेट मैनेजमेंट में काम करती हूँ, 70% अपना खुद का पैसा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के थ्रू इन्वेस्ट करती हूँ। और मेरी कुछ ये वजह है, एक तो जो हमारी जिंदगी है उसमें बहुत कुछ होता रहता है, तो आई प्रेफर कि ये डिसीजन ऑटोमेटेड और आउटसोर्स रहे किसी अच्छे फंड को। दूसरा, अगर आप में ये नॉलेज भी है कि आज निफ्टी 11,000 का है, वो कल 7,000 का होने वाला है, जो कि प्रिडिक्ट करना मेरे हिसाब से किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, तो बहुत लोगों में, क्योंकि हम इंसान हैं, ये इमोशनल वो नहीं रहता कि 7,000 पे जाके हम खरीदें। ये अगर आप किसी प्रोसेस पे छोड़ दो, वो होना आसान है। और तीसरा, ये जो फंड होते हैं, इसमें इक्विटी से डेट का जो शिफ्ट करना है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, ये काफी टैक्स एफिशिएंट है। अगर मैं ये खुद करना चाहूं तो मैं इक्विटी पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एफिशिएंट दूंगी, डेट पे भी दूंगी, तो क्यों ना इससे अच्छा मैं ये फंड के जरिए करूं। तो ये ज्यादा सेंस करता है कि एक फंड के जरिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं तो वो एक बेटर तरीका है संतुलन बनाए रखने का। बहुत सारी कैटेगरीज है, अगर हम हाइब्रिड कैटेगरी की ही बात करें राधिका, कंफ्यूजन निवेशकों में बहुत ज्यादा रहता है कि आखिरकार कौन सी कैटेगरी में निवेश किया जाए। आपको लगता है कि इस कंफ्यूजन को दूर करने का कोई तरीका है? जैसे हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन की ही बात कर रहे हैं, ऐसे और भी हाइब्रिड कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स हैं जो कि इक्विटी और डेट एलोकेशन को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बैलेंस जरूर करते हैं, लेकिन एक निवेशक को ऐसी किसी कैटेगरी में निवेश करने से पहले क्या देखना और समझना चाहिए? तो मैं 2 बातें करूंगी, पहले तो थोड़ा कैटेगरी पे चर्चा करती हूँ और फिर निवेशकों को ये कैटेगरी में क्या देखना चाहिए उस पर बात करती हूँ। देखिए, कैटेगरी तो बहुत बड़ी है, मेरे हिसाब से 2-3 बड़े फंड हैं इस कैटेगरी में। एक तो बैलेंस्ड एडवांटेज, जिसका हमने जिक्र कर लिया, दूसरा एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या कन्वेंशनली बैलेंस्ड फंड कहते हैं, जिसमें
स्टैटिक एलोकेशन होता है, ये इक्विटी और डेट के बीच में शिफ्ट नहीं होता। आमतौर से 70% पैसा इक्विटी में होता है, 30% डेट में होता है, तो ये कैटेगरी ये करती है। तो वो मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा रिस्कियर कैटेगरी है बैलेंस्ड एडवांटेज से, क्योंकि बैलेंस्ड एडवांटेज में शिफ्टिंग होती है। और तीसरी एक कैटेगरी जो थोड़ी सी सेफर है बैलेंस्ड एडवांटेज से, उसे इक्विटी सेविंग्स कहते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज में आमतौर से 30-80% पैसा इक्विटी में रहता है, इसमें 10-40 रहता है, बाकी डेट और आर्बिट्राज में रहता है। तो ये बैलेंस्ड एडवांटेज से थोड़ी कंजर्वेटिव है। अब जब आप एक बैलेंस्ड एडवांटेज या कोई भी हाइब्रिड फंड देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको तीन चीजें देखना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला है। सबसे पहले तो क्योंकि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करता है, आप देखिए कि इक्विटी पोर्टफोलियो क्या है, फंड मैनेजर आपकी इक्विटी कैसे मैनेज कर रहा है, 20 स्टॉक होल्ड कर रहा है, 40 स्टॉक होल्ड कर रहा है, कर क्या रहा है और किस तरह से, क्या उसकी फिलोसफी है। दूसरा, आप जरूर अपने डेट पोर्टफोलियो की क्वालिटी देखिए। जैसे हम अपनी वेबसाइट पर हर हफ्ते छापते हैं, आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रेडिट फंड में नहीं इन्वेस्ट कर रहे, तो ये देखना जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो की डेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। और तीसरा, जब आपने इक्विटी और डेट इंडिविजुअली देख लिया है, तो आप ये जरूर फंड मैनेजर से पूछिए कि ये जो इक्विटी और डेट का शिफ्ट है, ये आप किस बेसिस पे करते हैं। इससे आपको पूरे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की अपनी जानकारी मिल जाएगी। तो बेसिकली क्या क्राइटेरिया है जिसको ध्यान में रखकर और समझकर बेसिकली आपको किसी फंड में निवेश करना चाहिए, या इनफैक्ट बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करना चाहिए? अगर हम पिछले कुछ क्योंकि रिटर्न की जब बात होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट राधिका, जो निवेशक होते हैं वो रिटर्न देख कर निवेश करना पसंद करते हैं, हालांकि ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। पर बैलेंस एडवांटेज फंड के अगर हम हिस्टोरिक रिटर्न्स की ही बात करें, तो ऐसे वॉलेटाइल कंडीशंस में कैसा रहा है परफॉर्मेंस? तो एक्चुअली रिटर्न्स की बात करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अकेले रिटर्न्स की बात नहीं करनी चाहिए, और रिस्क के साथ करनी चाहिए। अब अगर आप देखें तो पिछले 3-4 सालों में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का, और पहले मैं रिस्क से शुरू करूंगी, जो रिस्क रही है वो इक्विटी फंड से करीब 60% रही है। इसका ये मानना है कि अगर बुरे मार्केट में, जब मैं रिस्क की बात करती हूं तो मैं अपने कैपिटल लॉस की बात करती हूं, तो जब अगर मार्केट बुरा हो, 30% गिरे, तो ऑन एवरेज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपका 15-20% गिरेगा। कुछ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स जैसे दवाना है होल्ड, वो 10-12% गिरा है, तो आपका जो कैपिटल लॉस है वो कम रहा है। इस वजह से, क्योंकि आपके कैपिटल लॉसेस कम रहे हैं, एक्चुअली 3-4 साल की साइकिल में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रिटर्न इक्विटी फंड के कंपैरिजन में एक्चुअली सिमिलर रहा है, उससे कम नहीं रहा है। तो इक्विटी उसने चाहे 50-40%, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड वुड हैव हेल्ड 50-60% इक्विटी, लेकिन उसका रिटर्न इक्विटी फंड के जैसा रहा है, तो वही रिटर्न कम स्ट्रेस के साथ, ये जानना बहुत जरूरी है, वही रिटर्न कम स्ट्रेस के साथ। एब्सोल्युटली। अब यहां पर एक और बात हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि बैलेंस फंड से बैलेंस एडवांटेज फंड अगर अलग है तो क्यों अलग है और बेहतर कैसे है, ये समझेंगे राधिका गुप्ता से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु। पोर्टफोलियो में कैसे बनाएं संतुलन, बैलेंस एडवांटेज फंड की हम बात कर रहे हैं बेहद ही खास मेहमान राधिका गुप्ता, सीईओ एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट। राधिका, हम बैलेंस एडवांटेज फंड की बात कर रहे हैं, वॉलेटाइल मार्केट में कैसे ये एक बैलेंस बनाने का काम करता है और ये कैसे मॉडल पे काम करता है, ये हमने आपसे देर पहले समझा। एक और कैटेगरी है बैलेंस्ड फंड की, म्यूचुअल फंड की। ये भी लोग समझना चाहते हैं कि बैलेंस फंड क्या होते हैं और बैलेंस एडवांटेज फंड से ये डिफरेंट कैसे है। तो ये हमारे थोड़े नाम में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड तो हमने काफी चर्चा की है, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, बैलेंस्ड फंड जो कहते हैं, और उसे कभी कभी हम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में। तो बैलेंस्ड या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें आमतौर से 70% पैसा आपका इक्विटी में जाता है, 30% आपका डेट में जाता है, और सबसे जरूरी बात है इसमें ये 70-30 या 75-25 जो भी है वो बना रहता है। फंड मैनेजर इसमें शिफ्टिंग नहीं करता मॉडल के दौरान, वर्सेस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक ये इक्विटी 80 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी फर्क है।
आम तौर से जब हम रिटर्न देखें और रिस्क देखें दोनों फंड्स की, तो क्योंकि बैलेंस्ड फंड इक्विटी ज्यादा हमेशा होल्ड करता है, शिफ्ट नहीं करता, वो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से थोड़ा सा ज्यादा रिस्की रहता है। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहता है बैलेंस्ड फंड के कंपैरिजन में। अब मैं एक अगर नए निवेशक के कॉन्टेक्स्ट में समझूं राधिका आपसे, क्योंकि लोगों में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है समझने की, कीपिंग इन माइंड हम जैसा मार्केट देख रहे हैं इस वक्त भी, कि क्या उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड में जाना है फायदेमंद। उसकी कई खूबियों की हमने बात की, लेकिन क्या एक नया निवेशक बैलेंस एडवांटेज फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है? बिल्कुल शामिल कर सकता है, ये जानते हुए, लेकिन कि शामिल करने से मिलेगा क्या। ये नए निवेशकों के लिए अच्छा फंड इसलिए है क्योंकि मैं कहती हूँ जब आप स्विमिंग करना भी सीखते हैं तो सबसे पहले आप डाइव नहीं लेते, बड़े पूल में नहीं जाते, पहले बेबी पूल में ट्रेनर के साथ जाते हैं। इक्विटी में शुरुआत करने का मतलब ये नहीं है कि आप 100% ऑफ योर पोर्टफोलियो इक्विटी में डालें। नए निवेशक हैं तो आप इक्विटी की जो जर्नी है, निवेश की जर्नी, सफर, वो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के जरिए शुरू करिए। आपका कैपिटल लॉस कम रहेगा, आपकी वॉलिटिलिटी कम रहेगी, और मार्केट के जो उतार चढ़ाव का, ये जो डिसीजन मेकिंग का कंफ्यूजन है, ये एक मॉडल करेगा। तो उस मुताबिक ये एक नए निवेशक के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप ये जरूर जानिए, लेकिन ये एक डेट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक एफडी प्रोडक्ट नहीं है, तो इक्विटी जितनी वॉलिटिलिटी नहीं होगी, लेकिन उतार चढ़ाव इस फंड में भी होंगे क्योंकि 50-60% इसमें भी इक्विटी है। और इसमें भी अगर आप निवेश करें, जैसे इक्विटी में हम निवेश करते हैं सो 5-7 साल की बात करते हैं, इसमें भी अगर आप निवेश करें तो 3-5 साल का आप टाइम होराइजन लेके चलिए। तो ये दोनों बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, ये नए इक्विटी निवेशकों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है। नए इक्विटी निवेशक के लिए अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट बैलेंस एडवांटेज फंड का। अब एक कोई पोर्टफोलियो है, अगर मैं आपसे एक हाइपोथेटिकली एक समझूं, एक पोर्टफोलियो कोई एक नया निवेशक है और एक कोई किसी का लंबी अवधि का नजरिया है, या फिर एक ऐसा निवेशक जो कि बिल्कुल अपने गोल के नजदीक है, उन दोनों के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड कैसे काम करेगा, जिसका एक वो जिसका गोल दूर है और एक वो जिसका गोल बिल्कुल नजदीक है? क्योंकि जैसे आपने बोला 5-7 years के लिए निवेश करना सही है, लेकिन अगर किसी का लंबा नजरिया है से 15-20 साल का, क्या उसके लिए भी बैलेंस एडवांटेज फंड वैसे ही काम करेगा? मुझे लगता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जैसे जब मैं निवेश करती हूँ, और मैं बहुत लंबे समय का निवेश करती हूँ, 2-5 साल का नहीं करती, जो सरप्लस कैपिटल है, मैं तभी भी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में करती हूँ। क्योंकि ये बात जरूर है कि लंबा नजरिया है, लॉन्ग टर्म में इक्विटी अच्छा करता है, लेकिन बहुत ऐसे निवेशक हैं, और मैं खुद को उसमें शामिल करना चाहूंगी, जो वॉलेटिलिटी से ना थोड़ा जूझ जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब आपका पोर्टफोलियो, जब मार्केट 30% गिरता है, आपके फंड 25-30% करते हैं, तो डर लगता है, और कभी कभी ये भी लगता है कि चलो इस पोर्टफोलियो का कुछ करें। तो उस हिसाब से बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपके लिए अच्छा रहता है। मैं हमेशा अच्छा कहती हूँ कि ये जो निवेश है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन ये ऐसा सफर है जिसमें बने रहना बहुत जरूरी है। उस मुताबिक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके लॉसेस काट के आपको कंफर्टेबल रखता है, जिससे कि आप निवेश के सफर में बने रहें, तो लंबे समय के लिए इसलिए अच्छा है। दूसरी बात जो हमने कोविड में देखी है कि आपको लगता है आप लंबे समय का पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जिंदगी कुछ ऐसे हालात पेश करती है आपके सामने जिसमें आपको लिक्विडिटी की बहुत जरूरत है। अब अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी में है और मार्च में आपको लिक्विडिटी चाहिए थी, आप पैसे निकालने जाते, तो शायद आपका पोर्टफोलियो 30% घटा होता। बैंक से निकालना आसान होता है क्योंकि उसमें इक्विटी और डेट का अच्छा मिक्स है। अगर आपका गोल बहुत पास आ रहा है, अगर आपको जैसे 6 महीने का निवेश करना है, तो शायद बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपके लिए परफेक्ट नहीं है। मैं एक और इसका इस्तेमाल अच्छा बताऊंगी, अगर आप जैसे रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इसके साथ लंबे समय तक निवेश करते रहिए, और जैसे ही आपके गोल नजदीक आ रहे हैं, आप इससे SWP करिए, उसे सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान करते हैं, रेगुलर पे आउट करते हैं। अगर ये फंड जैसे 7-8% रिटर्न दे रहा है, तो आप 5-6% की SWP करिए, जिससे कि आपको गोल के पास इनकम मिलती रहे। ये रिटायर्ड लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि एक बैलेंस एडवांटेज फंड से SWP का ऑप्शन भी खोला जा सकता है, जो कि रिटायर्ड जो लोग हैं, निवेशक हैं, उनके लिए एक रेगुलर आय का जरिया बनकर आ सकता है। ये काफी जरूरी जानकारी है जो राधिका आपसे मिली है। अब उन निवेशकों के लिए आप क्या कहेंगी? हालांकि हमने डर, भय और इमोशंस की तो जरूर बात की है, क्योंकि हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड से भी लोगों ने काफी ज्यादा पैसे निकाले हैं। अभी इस माहौल में जब काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, ऐसे निवेशक जो अभी भी सोच रहे हैं कि चलिए जब भी मौका मिले पैसे निकाल लिए जाए, उनको क्या इस वक्त अपने माइंड में बिठाकर रखना चाहिए? देखिए, निवेश बाजार में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, चाहे आप किसी भी फंड में निवेश करिए, दो बातें जानना जरूरी है। सबसे पहले तो एसेट एलोकेशन बनाए रखिए, और आप जब निवेश करते हैं तो याद रखिए आप खुद के लिए निवेश कर रहे हैं, अपने गोल्स के लिए निवेश कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से निवेश कर रहे हैं। मैंने आज आपके शो पे आके कहा कि मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है। शायद आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, शायद मेरे फादर बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। आप निवेश खुद के लिए करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से करते हैं, उस मुताबिक अपना एसेट एलोकेशन बनाए रखिए। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सही एसेट एलोकेशन करेंगे और उसमें स्टिक करेंगे, और वो एसेट एलोकेशन करने के बाद या तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड यूज कर लीजिए, या सही मायने में आप इक्विटी एंड डेट फंड खुद कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये बात ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आपको कभी निवेश के सफर में बहुत स्ट्रेस नहीं होगा। ये मेरी मार्केट से सबसे बड़ी लर्निंग है, तो मैं आपको ये बात छोड़ना चाहूंगी। और आखिर में जैसे एक दर्शक भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने अभी म्यूचुअल फंड में कदम भी नहीं रखा है। ऐसे भी कई दर्शक हैं जो हमसे समझ रहे हैं कि आखिरकार इसमें एंट्री कैसे की जाए। ऐसे मार्केट कंडीशंस में किसी नए निवेशक को एंट्री लेनी है तो कैसे, किन बातों का ख्याल उन्हें रखना है, और कैसे प्रोडक्ट्स में निवेश उन्हें शुरुआत में करना चाहिए? पहले तो अगर आपको निवेश करना है इक्विटी में, तो आपको इक्विटी की अच्छी और बुरी बातें जानना जरूरी है। अच्छी बातें ये हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी पैसा बनाता है, अच्छी कंपनीज में आप निवेश करते हैं, हिंदुस्तान की ग्रोथ में आप शामिल करते हैं। ये बड़ी ऑब्वियस बातें हैं जो सबको पता है, और इक्विटी अनलाइक रियल एस्टेट एक बहुत लिक्विड एसेट क्लास है। बुरी बात है इक्विटी की जो आपका जानना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी होगी, वो सिर्फ 2020 में नहीं होगी, साल बदलते ही वॉलिटिलिटी नहीं बदलेगी, 21 में भी वॉलिटिलिटी होगी, 30 में भी होगी। ऐसे 3-4 साल के दौरान आएंगे, 3-3 साल के दौरान आएंगे जहां आपका रिटर्न शायद FD से बहुत कम रहेगा, लेकिन अगर आप लंबे समय तक पैसा रखेंगे तो आप पैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो वॉलिटिलिटी और लंबे समय तक पैसे रखना, ये जानना जरूरी है। अब कैसे पैसे लगाएं, मुझे लगता है ये एक बड़ा अनसर्टेन मार्केट का माहौल है। रियल इकोनॉमी में और मार्केट में एक डाइकोटमी है जिसकी बहुत लोगों ने बात की है। बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स हैं, हाल ही में US इलेक्शन हारा है, और कोविड का भी जो माहौल है वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यूरोप वगैरह में सेकेंड वेव आ रही है। इस मार्केट में मेरे हिसाब से निवेशकों को हीरोइज्म दिखाने की, कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इक्विटी में निवेश करना है तो दो तरीके से करिए, या तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के जरिए करिए, अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा है तो आप STP के जरिए इक्विटी में निवेश करिए, जिससे कि आप अपना पैसा और अपनी रिस्क थोड़ी स्प्रेड आउट करें। ऑलराइट, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो राधिका आपने दिए हैं आज हमारे तमाम दर्शकों को, और ऐसे निवेशक जो कि करना चाहते हैं अपने निवेश को और भी अच्छा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जी बिजनेस पर मनी गुरु शो में शामिल होने के लिए आपका। तो इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।